अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेरा किचन। आई होप ऑल यू आर फाइन। आज की वीडियो में आपके साथ आलू मटर रेसिपी शेयर कर रही हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। ये अनियन है, पिसी हुई लाल मिर्च है, धनिया है, टमाटर है, 4 स्लाइस मीडियम 750 ग्राम मटर है, 750 ग्राम आलू है, हरा धनिया है गार्निश के लिए, और 125 ग्राम दही है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स है। अब हम 1 1/2 कप ऑयल, ईवा ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको मुझे गरम कर लेना है। आपको नज़र आ रहा होगा 1 1/2 कप ऑयल जब ही थोड़ा गरम हो जाए तो इसके अंदर हमने क्यूमिन सीड्स डाल के इसको फ्राई करना है 1 सेकेंड के लिए। आफ्टर दैट आई पुट इन दिस अनियन, 5 मीडियम साइज़ या अनियन है जो बहुत बारीक काटनी है ताकि ईजीली ब्राउन हो जाए, कोई मुश्किल हमें ना हो। अब आपने इसको ब्राउन करते जाना है, और ये जो रेसिपी है ये 8 to 10 पर्सन के लिए है कि आपको इसको 8 से 10 लोगों के लिए बनाना है। अब जब तक प्याज फ्राई हो रही है तो जो ये मसाला है इसको मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, इससे मसाला जलता नहीं है और इजीली कुकिंग होने में आसानी भी रहती है। और ये जो टमाटर है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इस तरह इसका पेस्ट बन गया। और अब आइए, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। नाउ आई पुट इन दिस 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसको अच्छी तरह स्टिल फ्राई कर लूँगी 2-3 सेकेंड के बाद। इसमें अब मैं वही मसाला जो मैंने वेट किया था, इस सारे मसाले को, ऑल स्पाइसेस को मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसको हम भूनेंगे स्लो आंच पर। पहले इसको हम 2-3 मिनट के लिए थोड़ा ढक्कन देंगे ताकि थोड़ा सा इसके अंदर भुनाव आए, और देखें मेरी प्याज कितनी अच्छी तरह भुनती जा रही है। इसके बाद वही जो टमाटर का पेस्ट था उसके मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसको मीडियम आंच पर भूनती जाऊंगी ताकि मेरा मसाला ऑयल आता जाए और दाना भी जैसे ही पड़ जाए तो आप समझ जाएँ कि मसाला भुन गया है। अब इसमें मैंने क्यूब शेप में पोटैटोस काट लिए हैं, और पोटैटोस को थोड़ा चलाकर इसमें साथ ही मैंने मटर डाल दिए हैं। मटर और आलू आपने एक साथ इतना भूनना है कि ये ज़्यादा कलर इनका चेंज ना हो। इसको भूनते के दौरान ही आपने दही भी डाल देना है। देखें ऊपर ऑयल आता जा रहा है, कितना अच्छा ये भुनाव पर आ रहा है। ठीक है, मटर का कलर थोड़ा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं, तो आपने इसके अंदर इतना पानी रखना है जितना कि आपके आलू और मटर दोनों गल जाएं, और आपको कितना रेडी कर लेना है। अब मैं इसको ढक्कन दे रही हूँ, पकने के लिए छोड़ रही हूँ। 15 मिनट बाद जब मैंने चेक किया तो देखें मेरे आलू और मटर दोनों की शक्ल बता रही है कि ये गल चुके हैं। देखें आपको जितना शोरबा रखना है इसकी ग्रेवी एस पर टेस्ट, और आपको जितनी उतारना है उस हिसाब से आप इसके अंदर गार्निश के लिए 3 मैंने लार्ज साइज़ चिलीज़ डाल दी, कोरिएंडर इसमें मैंने गार्निश के लिए डाल दिया, और मैंने गरम मसाला भी 1/2 टीस्पून इसके ऊपर डाल दिया है। गरम मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको आप ज़रूर अपने खानों में शामिल किया करें। मेरी इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी रही, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और शेयर